देखिए माननीय सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र ने जो बयान दिए हैं वो उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी को दर्शाता है। जिस तरीके से अपनी ही सरकार की विदेश नीति के ऊपर जो उन्होंने प्रश्न झाड़ दिए हैं, ना समझते हुए ना जानते हुए कि कह रही हैं कि अमेरिका और चाइना का हस्तक्षेप जो है वो हरियाणा के अंदर हो रहा है। मैं जो हमारे केंद्रीय फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उनसे पूछना चाहूँगा कि वो इसके ऊपर क्या बयान देना चाहते हैं। क्या वो मानते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर्स में चाइना और यूएसए का इंटरफेरेंस हो रहा है? क्या इस तरीके की बयानबाजी देना सही है? ये चीज़ों से इनको बचना चाहिए। इससे ज़्यादा उनको हिमाचल के मुद्दे, जिसके लिए उनको चुना गया है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए और उनको ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अभी जो आपदा आई उसमें बतौर सांसद वो केंद्र से कितना पैसा हिमाचल के लिए लेकर आई, उसके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। ये बिना मतलब की बातें जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, उसके बारे में बात करना। और खास करके कल भारतीय जनता पार्टी ने खुद इससे जो है वो पल्ला झाड़ लिया है, खुद इसको रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कहा है और कहा है कि ये ऑथराइज नहीं है इस तरीके की बात करना। ये मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है।